दोस्तों, सनी देओल ने भले ही जिद्दी नामक फिल्म की हो, लेकिन उनको नजदीक से जानने वालों का कहना है कि वे बिल्कुल जिद्दी नहीं हैं। लेकिन बेटे के मुंह में न चाहते हुए भी सनी देओल ऐसी जिद कर बैठे कि करण देओल की करियर की शुरुआत उन्होंने बुरी तरह से बिगाड़ कर रख दी। खुद सनी को भी नहीं पता होगा कि वे ऐसी जिद में गलत राह पर चल पड़े थे। स्टार सन्स को लेकर दर्शकों में खासी उत्सुकता रहती है, खास तौर पर जब कोई बड़े सितारे का बेटा फिल्मों में कदम रख रहा हो। जब सनी देओल ने फिल्मों में कदम रखा था तो दर्शकों में धर्मेंद्र के बेटे को देखने के लिए उत्सुकता थी, और इस उत्सुकता को धर्मेंद्र ने अच्छी तरह बुनाया और सनी को स्टार बना दिया। धर्मेंद्र ने जावेद अख्तर जैसे स्टार राइटर से फिल्म लिखवाई, राहुल रवेल जैसे उभरते निर्देशक को फिल्म की बागडोर संभाली, आरडी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकार से मधुर गाने बनवाए और बेताब सुपरहिट हो गई। इसके बाद सनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली फिल्म यदि चल जाती है तो काम बहुत आसान हो जाता है, पहली फिल्म फ्लॉप हो गई हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये माना जाता है कि दर्शकों ने स्टार सन को स्वीकार नहीं किया। सनी ने करण के मामले में जिद ये कर ली कि पल पल दिल के पास का निर्देशन वे करेंगे। सनी निर्देशक के रूप में कोई तीर नहीं मार पाए। बरसों पहले उन्होंने दिल लगी नामक फिल्म बनाई थी जिसमें सनी, बॉबी और उर्मिला थे। फिल्म खास व्यवसाय नहीं कर पाई। इसके बाद सनी ने घायल वंस अगेन बनाई जो फ्लॉप हो गई। इसके बाद भी सनी नहीं संभले और करण की पहली फिल्म के डायरेक्शन की कमाल संभाल ली। दरअसल सनी को किसी और निर्माता निर्देशक पर विश्वास ही नहीं था। कुछ निर्माता निर्देशक करण को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन सनी ने रुचि नहीं दिखाई। सनी देओल को लगा कि कोई करण को वैसे नहीं लॉन्च कर पाएगा जैसा कि उन्होंने सोचा है। वे अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए, या फिर वे करण की कमियां जानते थे। उन्हें महसूस हो गया था कि करण ने अभिनय की दुनिया में उतरने से पहले कोई पूरी तैयारी नहीं की है, लिहाजा उसकी कमजोरियां उजागर न हो जाएं, इसलिए वे खुद निर्देशक बन बैठे। पल पल दिल के पास फिल्म के लिए सनी ने जिस तरह की कहानी चुनी वो एकदम घिसी पिटी थी। सनी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं कि दर्शक इस तरह की कहानियों को बरसों पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। पल पल दिल के पास में कुछ भी ऐसा नहीं था जो तारीफ के योग्य हो। असफलता का सारा दोष सनी पर ही जाता है, क्योंकि वे निर्देशक हैं, करण तो नए हैं। उन्होंने वही फॉलो किया जो उन्हें बताया गया। सनी की जिद करण पर भारी पड़ गई, जिससे उभरने में उन्हें अभी टाइम लगेगा। तो दोस्तों, सनी देओल की इस जिद के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।